हाँ जी सर, प्रदेश सेक्रेटरी में भी बीजेपी की वहाँ बयान भाई है, तो क्या कहते हैं आप, किसका ज्यादा था? ये भारतीय जनता पार्टी के सुशासन की लहर थी जो 18 वर्ष सत्ता में रहते हुए हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी हो, चाहे हमारे तमाम सांसद और विधायक हो, सत्ता का हमने सदुपयोग किया है, उसका दुरुपयोग नहीं किया है। इस बात का प्रमाण है कि जनता ने परिवर्तन के नाम पर वोट प्राप्त करने वाले लोगों को जितनी सीटें थी उससे भी आधी कर दी। परिवर्तन तो नहीं किया, उनको जरूर परिवर्तित करके उनकी सीटों को आधा कर दिया, क्योंकि अब जनता विकास चाहती है और सत्ता का सदुपयोग करने वालों को ताकत देना चाहती है, और वो ताकत जनता ने बढ़ा दी हमारी कि आप तो आगे बढ़िए, काम करिए, और जिस सपने को जनता देखती है समृद्धि की, विकास की, लोगों के कल्याण की, विकास तरक्की की, उस लक्ष्य को आप लोग प्राप्त करिए। जनता ने हमें और ज़्यादा ताकत देके और अब मैदान में भेजा है। विकास पुरुष से लेके विंध्यनायक तक का सफर कैसे देखते हैं? ये तो जनता के प्रेम के द्वारा निकली हुई विशेषण है, लेकिन मैं तो हमेशा, जनता जब भी मुझे जिताती है, मेरी जिम्मेदारी का भाव मेरे अंदर और बढ़ जाता है, और मुझे लगता है कि एक पल भी अब मुझे चैन से बैठने का अधिकार नहीं है। जनता ने हमें कुछ करने के लिए भेजा है, और इसलिए आने वाले समय में एक एक दिन और एक एक पल का, जिस तरह से पिछले 20 वर्षों में रीवा की तस्वीर को बदलने में हम सारे लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, हमारी सरकारों ने जो काम किया है, उस काम को और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएंगे, और रीवा को, मध्य प्रदेश और देश को मोदी जी और हमारे शिवराज सिंह चौहान जी ने जिस तरीके से ऊंचाई पर पहुंचाया है, उसको और मुकाम तक पहुंचाएंगे। रीवा जी, सीएम की सूची के लिए आपका भी नाम आगे आ रहा है, सीएम की सूची के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन हो सकता है? देखिए, ये तो केंद्रीय नेतृत्व, जब विधायक दल की बैठक होगी, केंद्रीय नेतृत्व तो अपने पर्यवेक्षक भेजेंगे और वो इस बात को राय मशवरा करके तय करेंगे। ये तो एक प्रक्रिया है नेता के चयन की, तो नेता का चयन केंद्रीय नेतृत्व हमारा करता है राय मशवरा करके, तो जो भी होगा सामने आएगा। कोई भी आपके सवाल का जवाब इस देने की स्थिति में नहीं है। विंध्य से, विंध्य का विकास पूरा आपने नेतृत्व किया, स्टार प्रचारक के तौर पे आप पूरे जगह गए और स्टार किया, भाजपा का प्रचार किया, काफी अच्छा प्रदर्शन रहा, उसके बाद अब आगे क्या, कैसे कुछ रहेगा आगे? तो अब सिर्फ विकास, विकास और काम के अलावा कुछ नहीं रहेगा हम लोगों के पास। क्षेत्र के विकास के काम के अलावा और कोई काम नहीं। सर, बड़े चेहरे में रीवा का नाम है क्या? बड़े चेहरे में रीवा का नाम है। हमने अभी आपसे क्या बताया कि कोई भी नेता आपके इस सवाल का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। रीवा वासियों को नए विकास में क्या देखने को मिलेगा? नहीं, मार्च में हवाई अड्डा शुरू हो जाएगा, सांसद जी बैठे हुए हैं, हम दोनों लोग मिलकर इस काम को पूरा कर रहे हैं, और सिंचाई की नहरों का जाल जो 3 लाख एकड़ में है, उसको 1.5 साल के अंदर बहुत ही नहर को पूरा करके हम 6 लाख एकड़ में पहुँचाएंगे, और फिर उसको 5 वर्षों में 9 लाख एकड़ में, जिसमें मऊगंज जिला भी शामिल रहेगा, एक एक इंच जमीन पर सिंचाई का पानी पहुंचाकर धरती से दौलत पैदा करने की स्थिति पैदा करेंगे, जिससे कि रीवा की तस्वीर और रीवा में रहने वाले लोगों की तकदीर को बदलकर हम लोग लोकतंत्र को वरदान बना सकें। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। जब खेती बढ़ती है तो व्यवसाय बढ़ता है, और जब व्यवसाय बढ़ता है तो रोजगार के अवसर आते हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से। आप देखिए, 3 लाख एकड़ में पानी पहुंचा तो जो व्यापार बढ़ा है, तो आप देखिए कि नए होटलों में लोगों को नौकरी मिल रही है, नए अस्पतालों में लोगों को नौकरी मिल रही है, क्योंकि खुल रहे हैं नए नए व्यापारिक प्रतिष्ठान, ब्रांडेड शोरूम्स, लगातार शॉपिंग मॉल, मल्टीप्लेक्स और डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स जैसे फूड चेन अब रीवा में आ रही हैं, और वहाँ पर हमारे लोगों को काम मिल रहा है। आप जाइए दुकानों में, और जो दुकान में सेल्समैन हैं उनसे पूछिए, अस्पतालों में कंपाउंडर से पूछिए, टेक्नीशियन से पूछिए, वार्ड बॉय, वार्ड नर्सेस से पूछिए, सब बताएंगे कि रीवा के हैं। ये अस्पताल नहीं खुलते, ये होटल नहीं खुलते, तो इनको नौकरी कहाँ से मिलती? तो इसलिए व्यवसाय बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो बेरोजगारी दूर होगी।